Hello guys and how are you? तो वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो. तो ये वीडियो अब पबजी की नहीं होने वाली है, ये होने वाली है अभी अपने एक नया गेम है साइबर हंटर. तो मैंने परसों इसको इंस्टॉल किया है और आज दो दिन हो गए मैं इसको खेलते हुए. तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है. अभी तो जगहों के नाम बहुत ही अजीब अजीब से, माउंट लोनली, वंडरलैंड. तो हम जाएंगे यहाँ पे और ये देखिए अभी हम इसमें जैसे ही जंप करेंगे यहाँ पे कोई पैराशूट वगैरह नहीं आएगा या फिर हमें उड़ते हुए नहीं जाना है. देखो हमें इस बोर्ड पे ग्लाइड करते हुए जाना है. हमें कहाँ पे जाना है वो देखिए, वहाँ पे मार्क लगा हुआ है, वहाँ पे जाना है. तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये गेम पबजी से अच्छा है या फिर पबजी इससे अच्छा है, बस ये थोड़ा कार्टून टाइप लगता है और वो पबजी जो है वो एकदम रियलिस्टिक है. तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे. यहाँ पे एक बड़ी सी विंडमिल है और एक दो घर है. अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लूट मिलते हैं. तो यहाँ आते हमें एक राइफ़ल मिल चुकी है, एडवांस राइफ़ल है. और फुटस्टेप भी आना शुरू हो चुके हैं तो मैंने सोचा कि शायद इस पर डायरेक्ट रश करना अच्छा होगा क्योंकि उसके पास गन नहीं होगी. सॉरी यार, थोड़ा बारिश का मौसम है तो खांसी वगैरह हो जाती है. ये बंदा बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था, मतलब बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और मेरा एम यहाँ पे देखो क्या मैसअप हो गया. गेम थोड़ा नया है तो ऐसा हो रहा है. यहाँ पे कंट्रोल्स मेरे लैग हो गया था, मैं यहाँ पे देखो फिर से लैग हो गया था. तो आखिरकार मैंने उसको किल कर दिया है. तो अभी हम ढूंढ रहे और बंदों को. अरे नहीं, ये तो नॉक हुआ है, अभी हमने इसको किल नहीं किया. हाँ, अब मर गया ये, हमारा पहला किल. तो अभी देखते हैं और कौन आता है. जो भी आएगा उसको हम मार देंगे. अभी ढूंढेंगे हम जो कोई आएगा उसको. अभी ये देखिए ये बंदा और यहाँ पे देखिए, जल्दी से नॉकआउट और जल्दी से किल हो गया. हमारा किल भी कंफर्म हो गया है. तो अभी हम एक राइफल यूज़ कर रहे हैं, एक SMG यूज़ कर रहे हैं. तो थोड़ी और लूट की ज़रूरत है हमें यहाँ पे. तो हम ढूंढ रहे इधर उधर कुछ लूट मिल जाए. तो यहाँ पे भी शॉटगन रखी हुई है और ये एक SMG है. तो हम इधर ढूंढ रहे थे. अरे ये क्या हो गया, मैं तो नीचे गिर गया. तो अभी हम थोड़ा और लूट लेते हैं यहाँ पे आसपास में, कुछ मिलता है तो. तो गाइस थोड़ा और लूटने के बाद हम जा रहे हैं. अभी हमें यहाँ से जाना होगा अभी, तो कहीं और चलते हैं. तो अभी मुझे ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी इस गेम में कि जब भी हम डबल जंप पे टैप करते हैं तो ये ग्लाइड करने लगता है, देखिए कुछ इस तरह से. और ये बहुत ही गजब की चीज़ है इसमें. ये तो पबजी से अच्छी चीज़ है. पबजी में अगर ऐसा होता तो क्या मज़ा आता नहीं. तो अभी हम जा रहे हैं, अभी ढूंढना पड़ेगा कुछ. और हमारे पास दोनों ही राइफल है तो कोई स्नाइपर ढूंढते हैं अभी हम चल के. यहाँ पे भी कुछ बंदे तो नज़र नहीं आ रहे, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है तो अच्छा सा स्नाइपर वगैरह एक आध. अभी ये वाले घर में देखिए, ये रही स्नाइपर. तो स्नाइपर वेपन मिल चुका है हमें. अभी हमने देख लिया स्नाइपर राइफल का नाम. और अभी ये स्नाइपर राइफल तो अच्छी गन है. तो अभी हम ढूंढ रहे थे और गलती से मैंने अपनी असल राइफल नीचे गिरा दी. तो अब यहाँ से जाने के बाद हमें थोड़ी सी फायरिंग सुनाई दी तो हम डायरेक्ट उस तरफ रश करने गए फायरिंग की तरफ. ये बंदा भागने की कोशिश कर रहा था, डैमेज था बहुत ज़्यादा. तो मैंने सोचा कि अभी रश करना ही अच्छा होगा. तो हमने इस पर रश किया, ये भी नॉक हुआ है तो शायद इसका भी फ्रेंड होगा. ये सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले भाई लोग. तो और भी इसके टीममेट हो सकते हैं यहाँ पे आसपास में. तो हम देख रहे थे इसमें और कुछ है कि नहीं काम का. तो हमने हमारी राइफल उठाई और शायद हम स्नाइपर गलती से वहीं पे गिरा के आ चुके हैं. तो हम फिर से चलते वहाँ पे स्नाइपर उठाने. तो ये सामने वाले घर में हमारी स्नाइपर पड़ी है. तो अभी क्या हुआ, हम गए स्नाइपर उठाने, हमने स्नाइपर उठाई, वापस आए. अभी यहाँ पे हमें एक बंदा दिखा था और स्नाइपर पे तो रेड डॉट लगाया. हमने एक्सचेंज किया, 2x लगाया. इसमें जो 2x है ना वो भी थोड़ा अलग है. रेड डॉट तो सेम पबजी जैसा ही है लेकिन जो 2x है वो थोड़ा अलग है. और अभी हम बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे थे बंदे. और हमें यहाँ पे फुटस्टेप देखो, फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं.
और मैप में भी बंदा दिख रहा है कहाँ पे, तो हमने रश कर दिया उस पर। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एम मिसअप हो गया है फिर से, और इतनी सारी गोलियां मारने के बाद फिर भी बंदा कैसे जिंदा बच गया पता नहीं, बंदा या बंदी जो भी है। और ये तो डायरेक्ट किल हुआ था, शायद इसका फ्रेंड तो होगा नहीं। तो अभी देखो उस तरफ एक बंदा दिखा हमें, हमने यहाँ पे ऑटो स्प्रे मारा उस पर रेड डॉट से, वो भी नॉक हो चुका है, किल हो गया हमारा पांचवा किल। तो अब इसको लूट लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ मिल सकती है, फोरेक्स। और देखो फोरेक्स मिल गया, और ये सन ऑफ द स्काई ये वाली गन हमारे पास पहले से ही है, और जो स्नाइपर है वो हम ले लेते हैं अभी। ये स्नाइपर शायद इनबिल्ट फोरेक्स के साथ आती है, तो इस तरफ से थोड़ी फायरिंग हो रही थी, सोचा जाके देख ले। पहले तो मैं यहाँ पे लूटने आया था, फिर बाद में फायरिंग की आवाज़ सुन के उस तरफ गया। तो अभी देखो लेफ्ट से फायरिंग होगी, हम जा रहे थे पीछे देख रहे थे, और हमने नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद फायरिंग होगी, हम इस टावर पे चढ़ेंगे पहले। ये भी चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, इसमें हम किसी भी चीज़ पे ऐसे चढ़ सकते हैं, डायरेक्ट क्लाइम कर सकते हैं उसे। ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ से व्यू देखिए, अभी फायरिंग हो रही है देखिए उस तरफ। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ से हमने देखा वहाँ पे, देखिए कितनी ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है। हम पे भी किसी ने एम लिया था अभी, आ आ मार रहा है, मार रहा है बंदा, मार रहा है। तो हमने स्कोप करके डायरेक्ट उस पर, ये बंदा थोड़ा अच्छा है, रियल बंदा है, प्रो है थोड़ा, तो इसको भी हमने ख़त्म कर दिया है। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ से फायरिंग हो रही है अभी। तो हमने स्नाइपर निकाल लिया और देखा वहाँ पे कोई है, दिख तो नहीं रहा है। अभी देखो ये रहा बंदा दिखा, अभी हिट नहीं लगी उसको। फिर से हमने ट्राई किया नोटिस करने के, अभी बंदा देखो वहाँ पे है, वो नॉक है, उसको एक ट्राई किया नहीं हुआ, पर एक अरे बंदा नीचे था उस पर ट्राई किया हमने, दो तीन हिट मारे, पर हमारा किल, हाँ किल हमें मिला, 7 किल हो चुके हैं। तो अभी जो ऊपर बंदा है ना वो नॉकआउट, वो शायद रिवाइव हो जाता है अभी थोड़ी देर बाद। देखो वहाँ पे एक और बंदा आ गया, उसका साथी होगा शायद, उसी को लूट रहा है, हमने उसको थोड़ा डैमेज दिया पर वो भी कवर में चला गया। तो उसको शायद ऊपर से पड़ रही थी, वहाँ पे शील्ड एक बनी हुई थी, तो हम भी गए, हमने भी शील्ड बनाई, देखा कि यहाँ से बंदे को ढूंढने की कोशिश की, 2x लगाया गन पे, और देखिए बंदा वो रहा। और बंदा तो काफ़ी प्रो था बंदा, हमें ज़्यादा पीक नहीं लेने दे रहा था। हमने ट्राई किया शील्ड को फोड़ने का, पर शील्ड शायद नहीं टूटती है। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे टीपी भी लेंगे, बंदा भी शायद वो, देखे हमने थोड़ी मारी, ओ भाई लिटरली 2 HP पे बचाऊँ मैं तो। तो मैंने फिर पहले तो मेडिकेट लगाई, हेल्थ फुल किया, अभी एक बैंडेज लगाया। तो अभी हम फिर से बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ से हमने एंगल एक बनाया है, यहाँ से हमने उसके हेड पे मार ट्राई किया, पर गोलियाँ नहीं लग रही थी। तो अभी हमने ये गन स्नाइपर यूज़ की, फिर से बंदे ने हमारी हेल्थ खा ली थी, पर इस बार हमने थोड़ा डैमेज ज़्यादा दे दिया है उसको। फिर से हम बैंडेजेस लगा रहे हैं, हमारे पास अभी हेल्थ भी नहीं है ज़्यादा। अभी उसको ट्राई करेंगे मारने का, वो हमारे शील्ड पे फायर कर रहा है, हमारी शील्ड टूट रही है, हमने एक और शील्ड बनाई, फिर ये नॉकआउट का किल चुरा लिया हमने पहले तो, और फिर इस बंदे को मारा। अभी बंदा पीक नहीं ले रहा था, हम ऐसे प्री फायर कर रहे थे, शायद एक आध लग जाए तो लग जाए ऐसे सोच के। अभी आ चुका था, हमने डायरेक्ट उस पर फायर किया और बंदा नॉक हो चुका है। अभी हमने ज़रा भी देर नहीं लगाई पुश करने के लिए, और सीधे गए पुश करने के लिए, सॉरी। अभी हम उसको फिर से देख रहे हैं, तभी आ रही है ऊपर से ये फायर करने लगा बंदा, इसको भी हमने नॉक कर दिया। अभी पहले तो इसको किल करेंगे, ये किल हो चुका है। तो अभी हम
वो नॉकआउट वाले बंदे पे रश करने वाले थे, उससे पहले हमने थोड़ा हील किया। और ये जब हील होता है ना तो ऐसा एक एनिमेशन है कुछ शील्ड जैसा साइड से घूमता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। हमने इस वाले बंदे को फिर से नॉक कर दिया, अभी 1 किल हो चुका है और जोन भी जा चुका है। तो हमने जल्दी से इसको लूट लिया। और फिर देखिए, अब ये देखिए, मैं अगर जोन के बाहर हूँ ना तो अपने आप गाड़ी बना सकता हूँ। अगर इस गेम में भी कोई अगर जोन से मरता है तो यार वो तो कुछ अलग ही लेवल का नूब है बंदा। मैं गाड़ी चला चलाते यहाँ पे ठुक गया, अभी गिर गया। चलते हैं जोन के अंदर। और जोन में जब हम पहली बार फंसते हैं ना तो एक रेड शील्ड आती है हमारी तरफ, मतलब हमारे ऊपर, और वो हमें डैमेज से बचाती है थोड़ी देर के लिए। तो हम वहाँ से सीधे जोन में जाएंगे, हम यहाँ पे बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे स्नाइपर टावर पे रुकेंगे हम थोड़ी देर, वॉच टावर पे। तो गाड़ी थोड़ा दूर लगाते हैं ताकि बंदों को शक ना हो हम यहाँ पे। हम गाड़ी से उतर के जा रहे वॉच टावर की तरफ। हम जाके वॉच टावर में थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, कोई आएगा तो उसको मार देंगे। ये जोन में भी है तो पीछे से बंदे आएंगे तो उन्हें भी मार देंगे हम। तो चलते हैं वॉच टावर के अंदर। और फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद एक बंदा आ चुका है यहाँ पे। तो हमने बंदे को देख लिया है, अभी हम उठ के डायरेक्ट उस पर फायर करेंगे। यहाँ पे पबजी जैसे थोड़ी देर के लिए हमारा एम जो ब्लॉक होता है वैसा नहीं होता है, यहाँ पे एम करना भी थोड़ा आसान है, रिकॉल भी गन्स का थोड़ा कम है। तो हम यहाँ से फिर से जाने लगे क्योंकि फिर से ये जगह जोन के बाहर हो चुकी थी। हम यहाँ से गए सीधे अभी जोन के अंदर। हमने देखा हमारी गाड़ी कहाँ है, तो गाड़ी तो हमें नहीं दिखी। तो हम बंदों को स्पॉट करने की कोशिश तो कर रहे थे, हमें यहाँ से बंदे तो नहीं दिखाई दे रहे थे। तो अभी हम भागते भागते यहाँ पे ये टॉवर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे, तभी एक बाइक वाला आया जोर से। हमने ट्राई किया यहाँ से एम करना बट पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हम अभी तक गेम में अभी प्रो नहीं हुए, हम नूबी है अभी तक, बस 2 दिन हुए हैं हमने स्टार्ट किया है। तो हम एक एड्रेनलिन मार लेते हैं और एक मेडकिट मार लेते हैं। हीलिंग तो अभी फुल हो चुकी है हमारी हेल्थ। ड्रॉप थोड़ा दूर गिरा है, ड्रॉप पे यहाँ से तो एंगल नहीं बन रहा है। और अभी हम जोन के अंदर भी है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जोन कब क्लोज होगा। तभी हमने एक बंदे को स्पॉट किया, इस पर भी हमने एम ट्राई किया बट कोई फ़ायदा तो नहीं है, लगने तो वाली नहीं है गोलियाँ। बस हमने ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ट्राई किया, होगा तो होगा। तभी ये देखिए, ये बंदा आ गया, इसके एक लेग शॉट, एक दो बॉडी शॉट लगी बट बंदा बचा, फिर से बचा बंदा, बहुत अच्छे से खेल रहा था। तो हमने 4x लगाया गन पे। ये देखिए, ये कूदते 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 जा रहा है हमारा। एक फिर से एक हेडशॉट लगा उसको, बहुत सारी गोलियां मारने के बाद फिर भी बंदा वहाँ जाके, देखिए बंदा जाए जा रहा है। एम तो नहीं लगा हमारा। तो अभी देखिए, अचानक से 2 बंदे मर चुके हैं और ये सामने वाला बंदा मुझे मारने लगा। अभी तो 5 अलाइव थे बट अभी लास्ट बंदा बचा है। हम यहाँ पे बचने की कोशिश करते हुए हमने शील्ड खड़ी की यहाँ पे। जब भी हम देखो, हमें हील करना है, हम जोन के बाहर है तो हमें शील्ड बना के हम आसानी से बच सकते हैं। ये 4x का हमारा स्प्रे और बंदा किल, ये हो गया हमारी विक्ट्री। ओ भाई क्या फ्लिप मारा है। तो भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।